हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर कुकिंग प्रोग्राम खरे की रसोई से। आप सबको विनोद खरे का आदाब, प्रणाम। आज रेसिपी बनाने से पहले मैं आपसे अपने व्यूअर्स के साथ एक अपने जीवन का अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मैं एक टीचर था, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम था, रिसर्च करना कराना, किताबों की दुनिया में ही मेरी दुनिया सीमित थी। जब मैं रिटायर हुआ तब भी मैंने अपने को किताबों तक ही सीमित रखा, अपनी हॉबी के रूप में बुक राइटिंग को कल्टीवेट किया, किताबें पब्लिश कराई और उसी में खुश था। 70 की एज में आकर के मेरी पत्नी ने मेरे में कुकिंग का शौक पैदा किया। मैंने उन्हीं से कुकिंग के बहुत से गुर सीखे, उन्होंने बहुत सी डिलिशियस डिशेस बनाना मुझे सिखाया और फिर मैंने पाया कि कुकिंग इज रियल एंजॉयमेंट। अच्छा अच्छा बनाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, खुद भी खुश रहो और दूसरे भी खुश रहें। कुकिंग बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मैंने पाया इसे। आज मैं जो डिशेस बना रहा हूं इसीलिए मैं अपनी पत्नी के नाम डेडिकेट करना चाहता हूं, शशि खरे को। आज की डिश एक ऐसी डिश है जो सारे इंडिया में पॉपुलर है, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो, चाहे सदर्न इंडिया हो, या ईस्टर्न हो, या वेस्टर्न हो, सेंट्रल हो, कहीं भी हो, इंडिया में शायद सारे सभी कोनों में ये डिश बहुत पॉपुलर है। और बड़ी खूबी ये है कि ये वेज के साथ भी चलती है, नॉन वेज के साथ भी चलती है, बिरयानी के साथ तो बहुत ही पॉपुलर है। वेजिटेरियन में कच्चा खाना है, पक्का खाना है, रोटी दाल सब्जी है या पूड़ी कचौड़ी है, सबके साथ ये डिश चलती है। और ये है पालक का रायता। आज मैं बनाने जा रहा हूं पालक का रायता। ये डिश स्वादिष्ट तो है ही, साथ में बहुत अधिक हेल्थ के लिए फायदेमंद है। दही है, दही में कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांत को इंश्योर करता है कि ये बुढ़ापे तक हमारा साथ दें। पालक, इसमें विटामिन सी है, आयरन है, और विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अधिक बेनिफिशियल है। हम और पालक के रायता बनाएंगे, इसलिए आज सबसे पहले देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए दही, क्योंकि हम डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं और बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। मान लीजिए एक सिंगल सर्व के लिए बना रहे हैं तो करीब करीब 100 ग्राम दही ले लिया। इसके अलावा हमें चाहिए पालक, पालक भी थोड़ा सा चाहिए, सिंगल सर्व के लिए हमने 8-10 पालक के पत्ते ले लिए हैं। इसके अलावा छौंक लगाने के लिए गार्लिक, लहसुन, अदरक, जिंजर और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च पतले पतले कटे हुए, खूब महीन महीन बारीक, फाइनली चॉप्ड। छौंक लगाने के लिए ऑयल, इसके अलावा नमक और काला नमक और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बाजार में भी मिलता है, आप चाहें तो घर में बना सकते हैं बिना घी के। आप उसको किसी पैन पे लेकर के भून लें और ग्राइंडर में कर लें या वैसे ही पीस लें, ऐसा भुना पाउडर बाजार में भी मिलता है। इसके अलावा चाट मसाला, ये भी बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है और ये डिश को बहुत स्वादिष्ट बना देता है। आइए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया। फिर जो हमने पालक लिया था, ये पालक के पत्ते लेते समय ध्यान रखें कि पत्ते बिल्कुल फ्रेश हों और हेल्दी हों। हेल्दी का मतलब ये कि उसमें छेद ना हो, जिसमें वर्म्स वगैरह हों, जिन्होंने छेद कर दिया हो। कटे हो सकते हैं, कटे होना एक बात है, लेकिन छेद नहीं होने चाहिए। और इनकी डंठल को हमने अलग कर दिया, डंठल हटा करके, और इस प्रकार से एक पत्ते के ऊपर पत्ता रख करके इनका हम
बंच बनाते चले जाएंगे। डंठल जो होते हैं वो कड़े होते हैं तो वो रायते का मजा कुछ कम कर देंगे, और अगर बहुत मोटी डंठल है तो हमने अंदर तक उसे काट कर निकाल दें। ये पत्ते हमने धो के रखे हैं, इनकी डंठल निकाल दी है। अब इनको हम इसमें जो बॉयल हो रहा है पानी, ये बॉयल होने में अभी टाइम है, तब तक हम इसे चॉप करने का इसका इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके पत्ते को फाइनली चॉप करना पड़ेगा। जैसे ही ये बॉयल होगा हम पालक को इसमें डाल देंगे। ये ध्यान रखिए कि हमें पालक को बहुत अधिक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना है, बहुत से बहुत एक मिनट के लिए इस गर्म पानी में डालेंगे। और बहुत लोग तो ये भी करते हैं कि गर्म पानी में डालने के बजाय इस प्रकार से ले लेते हैं कंटेनर और उसके ऊपर एक छन्नी, और पालक इसमें रख देते हैं और ऊपर से पानी, गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर डालते जाते हैं, तो वो बहुत अधिक देर नहीं रहता और थोड़ी देर बाद उसे छन्नी को हटा लेते हैं। अब ये पानी करीब करीब गर्म हो चुका है, हम दोनों काम कर सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं और थोड़ी देर में निकाल लें, या हम ये कर सकते हैं कि पालक को इसमें डाल दें छन्नी पर और ये जो गर्म पानी है जो बॉयल हो चुका है, इस पानी को हम इसके ऊपर धीरे धीरे पोर करें। ये पानी बॉयल हो चुका है, ये हमने इसमें से धीरे धीरे डाला। इसके डालने और थोड़ी देर रखने का केवल मतलब यह है कि जो पत्ते हैं वो हल्के हो जाएंगे और धीरे धीरे पानी को छन्नी को ऊपर उठाते रहें, जिससे कि लगातार पानी में न डूबे रहें। इसके साथ ही अब ये काफी ढीले हो चुके हैं पालक, इनको तुरंत निकाल करके आइस्ड वाटर हमने तैयार रखा था, बर्फ बाहर खूब ठंडा, इसमें हमने पालक को डाल दिया। ये बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि ये कूलिंग डाउन कर देता है और जो इसकी हरियाली है वो पालक की हरियाली बनी रहती है। तो हमने इसको आइस्ड वाटर में डाल दिया। अब थोड़ा सा देर आइस्ड वाटर में रखेंगे और फिर इसे हम फाइनली चॉप कर देंगे। ये पालक अब कूल डाउन हो चुके हैं, इनको हमने निकाल लिया। और निकाल करके इसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया, क्योंकि हमें इसका छौंक लगाना है, और इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया। लेकिन फाइनली चॉप करने के पहले छौंक लगाना है, इसलिए हम पैन चढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि बहुत कम बनाना है इसलिए ऑयल भी बहुत जरा सा डाला हमने। और इस पालक को फाइनली चॉप कर लिया।
जब तक हमारे पैन में ऑयल हीट हो रहा है हम इसको खूब फाइन करते चले गए। अब ये हीट हो चुका है, टेस्ट कर लेना चाहिए कि हीट हुआ है कि नहीं। यह हो चुका है, हमने इसमें गार्लिक और अदरक जिंजर डाल दिया। फिर ग्रीन चिली भी डाल दी इसी में और पालक डाल दिया। जैसे ही ये ब्राउन हुआ हमने पालक डाल दिया, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए वो जलने का खतरा रहता है, इसलिए हमने तुरंत पालक डाल दिया। इसमें जरा सा नमक, इसे पूरी तरह से नहीं भूनना है, थोड़ा ही सा, जैसे पालक का साग खाते उतना नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना। ये पालक हो चुका है, अब हमने इसको निकाल लिया। चूंकि ये गर्म है इसको रूम टेम्परेचर पे करने की जरूरत होती है, कूल डाउन करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि थोड़ी देर हम इंतजार करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम इसको फ्रिज में रख दें और थोड़ी देर में ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब हमारा ये छौंका हुआ पालक जो है ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया और अब हम फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं। जो हमने दही लिया है इसको अब हम फेंट लेते हैं। अगर बालू बहुत है तो आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, फेंट सकते हैं, या बाजार में बीटर्स आते हैं बहुत तरीके के, उनसे यहाँ तो बहुत कम है इसलिए हम चम्मच से इसको फेंट लेते हैं। फेंटने का मतलब ये है कि आप उसमें स्मूथनेस ले आए, कंसिस्टेंसी उसके आ जाए। अगर आपको लगता है कि ये गाढ़ा है तो आप इसमें पानी या दूध थोड़ा सा मिला सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं। मुझे तो गाढ़ा ही पसंद है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं मिला रहा। अब इसमें काफी कंसिस्टेंसी आ गई है, कोई थक्के नहीं है और इसको फेंट करके हम इसमें पालक डालते हैं जो हमने छौंका है। थोड़ा सा नमक डालते हैं, नमक ये ध्यान रखें कि हम पालक में पहले डाल चुके थे तो उस अंदाज से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा करा नमक,
बहुत कम वॉल्यूम है इसलिए जस्ट ए पिंच ऑफ काला नमक हमने लिया है, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हम थोड़ा सा अभी डालेंगे जितना हमें डालना है, बाद में हम गार्निशिंग में और डाल देंगे। तो अभी हमने बहुत जरा सा डाला। और चाट मसाला, इसमें बिल्कुल चटपटा लगपन ला देता है चाट मसाला। अभी सबको हमने मिला दिया इसमें। ये हमारा पालक का रायता तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़ा सा जीरा पाउडर से इसमें कोई डिजाइन, कोई पैटर्न दे देते हैं। तो हल्की सी आप कि जो पैटर्न आपको पसंद हो, जैसा आप प्रेजेंट करना चाहें। तो गार्निशिंग हमने कर दी थोड़ी सी। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ले लेते हैं, जो केवल जिस रंगत देता हो, जो हॉट बहुत ना हो, इसको हम गार्निशिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं, आर्टिस्टिक आपका कैसा हुआ है। तो ये हमारा तैयार हो गया पालक का रायता। देखें इसको, ये किस प्रकार का बना है, पालक का रायता।